नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दी नगरी न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ मनोज। जिन छात्रों ने लगाई हिंसक आंदोलन की आग, वे बन गए आज मंत्री। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद क्या वहां के हिंदू सुरक्षित हैं? दरअसल पिछले दिनों में बांग्लादेश में एक हिंसक आंदोलन छिड़ा हुआ है। इस आंदोलन के चलते देश की प्रधानमंत्री काबिज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वहां तख्ता पलट हुआ। इसके चलते देश में उथल पुथल देखी गई, हिंदू समुदाय के लोगों को परेशान किया गया और घरों में घुसकर कीमती सामानों को आग लगा दी गई। लूटपोट मचाई, तोड़फोड़ की, न सिर्फ घर बल्कि कुछ हिंदू लोगों के कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। अब ऐसे में बांग्लादेश के हिंदू बहुत परेशान है और ये बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अंतरिम सरकार के मंत्रियों में वो दो छात्र नहीद इस्लाम और आसिम मोहम्मद भी शामिल है, जिन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। इस अंतरिम सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने संभाली है। साथ ही सरकार में 16 और सलाहकार ने मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भंग भवन में आयोजित एक समारोह में अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में यूनुस को शपथ दिलाई। शुक्रवार को मोहम्मद यूनुस ने मंत्रियों को मंत्रालय सौंपने का काम किया, जिसमें उन्होंने उन दो छात्रों को भी कैबिनेट में शामिल किया जिन्होंने इस हिंसक आंदोलन में चिंगारी लगाने का काम किया था, जिसके बाद वे आग का रूप लेकर बढ़ती गई। कैबिनेट में शामिल किए गए इन दो छात्र नेताओं को नाहिद इस्लाम और आसिफ मोहम्मद को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा युवा और खेल मंत्रालयों का प्रभार दिया गया है। अब ऐसे में हिंदू समुदाय के लोग आगे आए हैं और उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार से 8 मांगे रखी है, जिसमें हिंदू लोगों के घरों और उनके बिजनेस की सुरक्षा करें। अपनी दूसरी डिमांड सरकार के आगे रखते हुए हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा, सरकार उन सभी लोगों पर एक्शन ले जिन्होंने हिंदू लोगों पर अटैक किया था। साथ ही उन्होंने कहा, जिन सभी लोगों के घरों को लूटा गया, आग लगाई गई, उन सभी को मुआवजा दिया जाए। हिंदू कल्याण ट्रस्ट को सरकार के प्रभाव और किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए और एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए। साथ ही समुदाय ने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन उत्पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में मदद करे। साथ ही डिमांड की गई कि मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डिमांड में कहा गया कि कुछ हिंदू समुदाय के लोग अपना घर छोड़कर सीमा से लगे शहरों में पहुंच गए हैं और भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वापस लाएं और उन्हें सुरक्षा दी जाए। आठवीं मांग उनकी ये रही कि सरकारी नौकरियों में हिंदू लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। वहीं अब बांग्लादेशी हिंदुओं ने गजब की एकता दिखाई है। हरे राम हरे कृष्णा के नारों के साथ सड़कों पर लाखों हिंदू एक साथ आए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू अब एकजुट हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें अब सरकार से सुरक्षा मिल पाएगी? क्या हिंदुओं को अब राहत मिलेगी? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द नगरी न्यूज के साथ। नमस्कार।